हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एक तरीके से। और ये परीक्षाएं आपकी जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर है, लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड पैट है, और भी जो विभिन्न परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी आयोग के द्वारा सत्र 2022 के दौरान, उन सभी के लिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमने कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए थे और एक जो वीडियो है हमारा सेट ए करके, वो हमने एक दिन पहले अपलोड किया था, और ये है हमारा आज का सेट बी। कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा हिंदी के फॉर्मेट में, हिंदी में मतलब क्वेश्चंस को लिखा जाए ताकि उनको समझने में आसानी हो। तो मैंने कोशिश करी है कि क्वेश्चंस को हिंदी में लिखूं, बट हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में मतलब हो सकता है कि मात्रा की कोई त्रुटि हो, तो उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये कमेंट करके ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है कि भाई प्रश्न में कोई मात्रा इधर की उधर हो गई है, क्योंकि हिंदी है उसमें मात्राएं बहुत सारी होती हैं। तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ हिंदी टाइपिंग में या उसको लिखने में, तो थोड़ा सा उसमें गलती हो सकती है। मैंने कोशिश करी कि गलती ना हो, बट चांसेस हैं कि हो सकती है, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो पूरा देखें, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं भी लोगों से, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, देखिए ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर देखते ही आपको कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, कुछ प्रयाग या कुछ दो नदियों का संगम जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पूछा गया है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है इस तरीके से प्रश्न, कुछ ऑप्शंस को मैंने थोड़ा इंग्लिश में कर दिया है, ठीक है। तो अदरवाइज हिंदी में लिखते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, तो आई होप सो इसमें कोई गलती नहीं हो, है ना, और आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो जो मैंने कोशिश करी है हिंदी में करने की से। तो देखिए पहला प्रश्न है, गंगा नदी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। मतलब होता है कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर देयर रिलेटेड विद दिस गंगा रिवर, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट वहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के अंदर मिलकर कर्ण प्रयाग बनाते हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा जो है, देखिए ये आपकी अलकनंदा आ रही है, दिस इज अलकनंदा और दिस इज भागीरथी, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक जगह पॉइंट पर मिलते हैं और उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग, नहीं इसे कहते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग इसे कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। ये रिवर आ रही है आपकी अलकनंदा, ये आ रही है भागीरथी, देवप्रयाग कहा जाता है। उसके बाद से क्या शुरू हो जाती है, गंगा के नाम से ये रिवर आगे फ्लो हो जाती है मैदानी इलाकों में, ठीक है। कर्णप्रयाग में एक साथ विलीन होती है और गंगा कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कर्णप्रयाग नहीं होगा, यहाँ पर होगा देवप्रयाग, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी पहली वाली गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, गंगा हरिद्वार के पहाड़ी हिस्से को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, बिल्कुल। देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मतलब हिल स्टेशन को एक तरीके से एंड पॉइंट है हिल स्टेशन का, पहाड़ों का, और जो नॉर्मल प्लेन एरियाज हैं वो उनकी शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। यमुना गंगा रिवर के किनारे के समानांतर रहती है और प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो समानांतर तो है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली एक वर्ड मेरे ख्याल से छूट गया है, गंगा नदी ये यमुना नदी गंगा नदी के समानांतर तो रहती है, बट यहाँ पर एक्चुअली कहीं पर एक मिस होना गया है, समानांतर के साथ में यहाँ पर है, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, वो वर्ड है लेफ्ट, LEFT, ठीक है, लेफ्ट। यमुना नदी गंगा नदी के किनारे लेफ्ट की तरफ समानांतर है और प्रयागराज में मिलती है, ठीक है, प्रयागराज में मिलती है वो तो बात सही है, बट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। देखिए अगर जो हम बात करें तो दिस इज द गंगा रिवर, ये गंगा रिवर इस तरीके से फ्लो होती है आपकी और फिर यहाँ पर जाके वेस्ट बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब यहाँ पर यमुना रिवर है, यमुना रिवर इस तरीके से आती है और यहाँ पर आकर देवप्रयाग में मतलब सॉरी इलाहाबाद में प्रयागराज में मिलती है, तो ये क्या हो गई, ये राइट ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट ट्रिब्यूटरी। देखिए अगर जो आप यहाँ पर खड़े हो गए इस डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में, तो ये आपके राइट साइड में हो गई ना कि लेफ्ट में। प्रश्न में यहाँ पे लेफ्ट है, मेरे लेफ्ट वो जो वर्ड है वो शायद मिस हो गया है जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट यहाँ पर प्रश्न में जो सही प्रश्न है वहाँ पर होगा लेफ्ट।
लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है या राइट ट्रिब्यूटरी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, गलत। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू, सिर्फ दूसरी जो स्टेटमेंट है या कथन है वो सही है, बाकी दोनों कथन जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखिए हिंदी में कन्वर्ट किया है मैंने चीज़ों को, तो उसमें क्या है ना, एक आधा वर्ड हो सकता है कि छूट गया हो, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, डोंट माइंड अबाउट दैट। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया, चलिए फिर आगे हम फटाफट क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा में शामिल होने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पहली प्रमुख के बारे में पूछा गया, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, देखिए राम गंगा, कोसी, शारदा, यमुना, तो ये करेक्ट आंसर होगा राम गंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंगा रिवर का फ्लो है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, उत्तराखंड में फ्लो हुई और फिर ये इस तरीके से ये फ्लो होते 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 आपकी यहाँ चली गई। तो देखिए सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी आ रही है ये वाली आ रही है, ये वाली, ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी कन्नौज तक जाती है, ठीक है, कन्नौज तक जाती है और यहाँ पर सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है यमुना, इसके साथ में बह रही है बट मिलती है प्रयागराज में, पर सबसे पहली ट्रिब्यूटरी गंगा की बन रही है राम गंगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी जो है वो कौन सी नदियाँ मिलकर आपस में बनती है, दो कौन सी रिवर जो है वो आपस में जब मिलती हैं उसके बाद वो क्या बनती है, गंडक रिवर बनती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिशूल गंगा और काली गंगा, ठीक है, त्रिशूल गंगा और काली गंगा। और देखिए गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर की जब हम बात करते हैं तो गंडक रिवर कहाँ से शुरू होती है, ये आपकी नेपाल के अंदर शुरू होती है, नेपाल में शुरू होती है और इंडिया में जब एंटर करती है तो इंडिया में किस एरिया में एंटर करती है, ये करती है बिहार के अंदर, और बिहार में भी जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर ये एंटर करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल गंगा और काली गंडक जो है वो मिलकर बनाती हैं गंडक नदी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर वो किस नदी पर स्थित है, उसके देखिए बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं और देश हैं तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट नदियों के किनारे, बैंक के किनारे बसे हुए हैं, तो उन्हीं में से एक शहर है मुजफ्फरनगर जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये जो है काली रिवर, काली नदी जो है उसके लेफ्ट, काली रिवर जो है उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है, और काली रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। मतलब आप ये देखिए ये इस तरीके से गंगा का फ्लो था, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे फटाफट तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर आपकी कौन सी रिवर आ रही थी, राम गंगा आ रही थी, उसके बाद काली रिवर भी आपकी एक तरीके से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर फिर गोमती रिवर आती है वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से लेफ्ट, देखिए जब आप हम रिवर्स को देखते हैं तो रिवर्स में देखिए ये एक तरीके से ये लाइन हो गई, लेफ्ट ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट और ये हो गया राइट वाला पार्ट। तो जो नदियाँ इधर से आके मिलती हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं, जो इधर से आके मिलती हैं वो क्या हो जाती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। तो मुजफ्फरनगर काली नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जो गंगा नदी पर नहीं बसा हुआ है, मतलब बहुत सारे देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो गंगा रिवर पर बसे हुए हैं, है ना। तो जैसे अब हम बात करें, मैप में देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम इस प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए पहले फटाफट जस्ट अ मिनट देखिए, तो मैप को देख लीजिए, गंगा रिवर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो गंगा रिवर यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर जो आता है कानपुर आता है, इलाहाबाद है, देखिए यहाँ पर जो हाईलाइटेड है एरिया डॉट्स में, कानपुर, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जिसे कहते हैं, वाराणसी हो गया, पटना है, ठीक है, तो फरक्का है, कोलकाता है, तो ये जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े शहर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। गाजीपुर देखने को मिलेगा, आरा, बस्तर, सॉरी आरा और छपरा, ठीक है, आरा, छपरा, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये फ्लो होते हैं यहाँ से, ठीक है। और तो पूछा गया था प्रश्न में कि कौन सा जो जिला है वो गंगा रिवर के आसपास में नहीं रहता है, नहीं बसा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए कानपुर है, मिर्ज़ापुर भी है, बिल्कुल कानपुर भी है, मिर्ज़ापुर भी है, प्रयागराज भी है, लखीमपुर खीरी नहीं है, आपको देखते ही पता लग रहा है बिल्कुल ऑड चीज़ है, लखीमपुर खीरी कहाँ पर है, क्योंकि अगर जो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इस तरीके से एक मतलब इस तरीके से एक रफली मैंने डायग्राम बनाया कि उत्तर प्रदेश इस तरीके से लगभग थोड़ा सा है,
ये अलग से मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि झांसी वाला इलाका हो गया। तो लखीमपुर खीरी इस तरीके से ये बॉर्डर एरिया है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ में, ठीक है। और गंगा रिवर आपकी यहाँ से मैदानी सेंट्रल पार्ट से बह जाती है, तो यहाँ पर कोई रिवर यहाँ पर फ्लो नहीं होती गंगाराम की, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के नगर निगम का हिस्सा नहीं। देखिए नगर निगम जो होती है ना, नगर निगम के जैसे होता ना आपकी पार्लियामेंट है, या कहते हैं जैसे गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो, या पार्लियामेंट की बात करें सिंपली अगर जो, तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इन तीनों को मिला के क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। उसी तरीके से नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के अंदर जो है एनएल लिख देता हूँ उसे, नगर निगम के अंदर जो होता है महापौर अध्यक्ष होता है, ठीक है, महापौर होता है, उप महापौर महापालिका अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये भी होता है आपका, महापौर भी होता है, राज्यपाल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, नहीं पूछा है, राज्यपाल नहीं होता, लोकसभा का सदस्य। अब देखिए लोकसभा का सदस्य होता है, अब लोकसभा का सदस्य कैसे होता है, देखिए कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जैसे जिन्हें कहते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, आपने ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली, ये जो पद हैं इन पदों पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सॉरी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो लोग वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो उस नगर पालिका के अंदर या उस नगर निगम के अंदर, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो है राज्यपाल, बाकी ये तीनों जो पोस्ट हैं वो नगर निगम के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या के बारे में पूछा गया है नगर निगम की, तो ये होती है 110, ठीक है, 110। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 110 तो ये अधिकतम पूछा है ना, तो न्यूनतम कितनी होगी, मिनिमम जो नंबर ऑफ संख्या है लोगों, मतलब जो नगर निगम की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 60, मतलब 60 तो कम से कम होंगी, और 110 मैक्सिमम, 110 से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस मुख्यालय प्रणाली नहीं है। देखिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, देखिए पुलिस आयुक्तालय, आयुक्तालय मतलब कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो जैसे दिल्ली में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है, ये अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया। तो ये पूछा है कि किस शहर के अंदर नहीं है। तो ये जब शुरू किया गया तो इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले तो इसके अंदर कवर करता है लखनऊ को, लखनऊ आता है इसके अंदर, फिर आता है आपका नोएडा, नोएडा दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा उसका एक शहर है, बट फेमस जो है ज़्यादा नोएडा है, ठीक है, जिससे आप सभी को पता होगा डेफिनेटली। फिर हम बात करें यहाँ पर आता है कानपुर और बनारस, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। तो ये चार शहर हैं वो कमिश्नरेट सिस्टम या पुलिस आयुक्तालय की प्रणाली के तहत चिन्हित किए गए हैं, जिनके अंदर ये सिस्टम सेट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी है, कानपुर है, नोएडा है, प्रयागराज नहीं है, है ना। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्रयागराज नहीं है। तो प्रयागराज में क्या होता है भाई, यहाँ पर वही पुराना सिस्टम जिसे कहते हैं एसपी वाला, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, ठीक है, इस तरीके की जो रैंकिंग्स है ऑफिसर में, देखिए काम वही है बट वो क्या होता है ना, नाम बदल दिया थोड़ा सा, रैंकिंग चेंज हो, रैंकिंग के अंदर से नाम बदल जाता है, जैसे एसपी को आप ईसीपी कहते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ें हैं बट थोड़ा सा नाम में यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो प्रयागराज में ये चीज़ नहीं है, बाकी चार जगहों में ये शुरू किया गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ। तो देखिए 1937 में सबसे पहली विधानसभा बनी थी, ठीक है, परिषद बनी थी बेसिकली, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के बाद हम बात करें तो आज़ादी के बाद सबसे पहली जो तारीख थी वो विधानसभा की गठन का था, वो था 8 मार्च 1952। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, 8 मार्च 1952, ठीक है, ये तारीख आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूपी के एग्जाम्स में ये इस तरीके के जो पुराने ऐतिहासिक डेट्स रही है वो पूछी जाती हैं अक्सर। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश विधानसभा में के निम्न अध्यक्षों में से कौन से वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष तो थे, बाद में क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। अब इसको अगर जो दूसरे टर्म में समझें कि जो आपकी विधानसभा है, ठीक है, वहाँ पर अध्यक्ष थे, मतलब जो होते ना विधानसभा अध्यक्ष, उस पद पर थे और उसके बाद क्या बन गए, सीएम बन गए,
उसी राज्य के, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है, एक आता है बनारसी दास। पहला तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है बनारसी दास। बनारसी दास जो है, देखिए ये आपने नाम सुना होगा, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने एक लखनऊ में यूनिवर्सिटी सुनी होगी, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है बीबीडी यूनिवर्सिटी। पहले कॉलेज हुआ करता था, अब उसने अपने आप को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करवा लिया है। तो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर रखी गई है, यही है वो बाबू बनारसी दास, ठीक है। ये जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये कब से कब तक थे, 1977 से लेके 79 तक ये अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के। और उसके बाद ये सीएम बने 1979 से 80 तक, मतलब अगले एक साल के लिए ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, ठीक है। और दूसरा नाम जो आता है यहाँ पर, वो आता है श्रीपति मिश्रा, श्रीपति मिश्रा का। ये दोनों लोग जो थे ये विधानसभा अध्यक्ष थे और फिर बाद में सीएम बने। अब इनकी बात करें तो ये 1980, मतलब इनके बाद बाबू बनारसी दास के बाद जो है बने थे आपके विधानसभा के अध्यक्ष। 1980 से लेकर 82 तक ये अध्यक्ष रहे, और उसके बाद 1982 से लेकर 1984, ठीक है, 84 तक ये दो साल अगले फिर क्या रहे, सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, अगर जो पूछा जाए तो बाबू बनारसी दास भी रख सकते हैं या फिर श्रीपति भी रखा जा सकता है, ये दोनों रखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष रहा है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहे। तो इसमें दो नाम आते हैं, दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है केशरीनाथ त्रिपाठी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, केशरीनाथ त्रिपाठी। और साथ में एक और व्यक्ति हैं, वो हैं अमंतमा, ठीक है, गोविंद खेर, या इन्हें शॉर्ट में कह सकते हैं गोविंद खेर। अब ये नाम कई बार ऐसा पूछा जा सकता है, एजी खेर, इस नाम से भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये दो व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 बार बेसिकली अध्यक्ष बने, 3 बार का अध्यक्ष बनने का मतलब हो जाता है 15 साल लगभग, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम टाइम इन दो लोगों ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के निर्माण से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल कितनी संख्या थी। तो उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कब, 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। तो उस टाइम पर, या कह लीजिए उससे पहले हम अगर जो बात करें 1967 की, ठीक है, 1967 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की सीटें थी वो थी 431। उसके बाद परिसीमन आयोग जो होता है, डिलिमिटेशन कमीशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, परिसीमन आयोग, उसका गठन, मतलब वो तो सर्वे करता है कि भाई यहाँ पर सीटें बढ़ानी है घटानी है, सब चीज़ें उसका काम होता है। तो उसने क्या किया, सीटों में थोड़ी सी कमी कर दी थी, 431 थी 67 में, फिर बाद में इसे कर दिया गया 426, ठीक है। अब ये 426 कब थी, ये तब थी 2000 में जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। अब उत्तराखंड अलग होने के बाद यहाँ पर जो सीट्स बचती हैं वो बचती हैं 403। एट प्रेजेंट हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तराखंड के निर्माण से पहले की बात है, तो 426 यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई विधानसभा की, विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और विधान परिषद के अंदर 100 सीटें हैं, ठीक है, विधान परिषद के अंदर 100 सीटें हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि काउंसिल, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो किस राज्य में उगाए जाते हैं। तो वो उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर लीडिंग है, सबसे नंबर वन पोजिशन पर है, जहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट्स की एग्रीकल्चर है, खेती की जाती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कुल दाल उत्पादन के मामले में किस राज्य का पहला स्थान है। देखिए दाल का उत्पादन, दाल मतलब आप सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं, जिसमें आपकी अरहर की दाल, जिसे आप तुअर की दाल कहते हैं, मूंग, मसूर, चना, बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, वो उन सभी चीज़ों में सबसे नंबर वन पोजिशन पर कौन है, नंबर वन पोजिशन पर है राजस्थान। राजस्थान के बाद आती है बारी, सॉरी नंबर वन पोजीशन पर कौन है, जस्ट मिनट, हाँ जी, तो पहले स्थान पर है राजस्थान,
फिर दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है, राजस्थान। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए पहला तो है ही राजस्थान, अगर कभी पूछ लिया जाए सेकंड पोजीशन पे कौन है तो वो होता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न का आप पूछा गया है गेहूं उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है, गेहूं का जब उत्पादन करते हैं हम तो उसमें सबसे नंबर वन पर कौन सा राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है एमपी और फिर आता है पंजाब का पीबी, पंजाब का नाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा आपके इस वाले प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो है चावल के उत्पादन से पूछा गया है। तो चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल है। देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, उसके बाद आता है नंबर उत्तर प्रदेश का, उसके बाद आता है पंजाब का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल के उत्पादन के क्षेत्र में। फिर हम बात करें अगर जो आगे प्रश्न की, अगले प्रश्न की, तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है, एक जिला एक उत्पादन योजना, उसके तहत जो है कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। देखिए ये स्कीम लाई गई थी ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो थी, उसके अंदर कौन सी चीज जो है शामिल नहीं है इन पॉइंट्स में से, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए स्थानीय लोगों को रोजगार देना ये तो बिल्कुल डेफिनेटली है ही उसके अंदर इंक्लूड, तो ये वाला तो इंक्लूडेड है भाई, लोकल लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, यही इस एक जिला एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, जाहिर सी बात है जो जिस जिले का कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो और कहीं नहीं मिलता, वो वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड फेमस है, तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना ताकि उसमें उसकी सेल बढ़े, तो ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, चिन्हित उत्पादों उत्पादों वादन को पर्यटन से जोड़ना। मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं बहुत सारे इलाकों की, जिनको मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोग ना वहाँ आते हैं, उन चीज़ों को खरीदते हैं और अपने घर ले जाते हैं या किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगाते हैं, तो एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट भी वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो उन उत्पादों को भी चिन्हित करना, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो उनको भी जोड़ना, तो ये भी चीज़ इस चीज़ के अंदर शामिल है। इससे भी क्या है, रोजगार बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी, राज्य की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। अगला है पारंपरिक उत्पादों का सरकारी उद्यमों उद्यम लगाकर उत्पादन करना। देखिए ये चीज़ नहीं है, मतलब जो भी पारंपरिक या ट्रेडिशनल उत्पादन है, ठीक है, पारंपरिक उत्पादन है, उनको वो स्वयं डेवलप करें, उसके लिए सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार के जो फैक्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें उन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, नहीं पूछा था, शामिल नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो होंगे। ठीक है, और इस ये जो स्कीम है एक जिला एक उत्पाद, इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, एक दो दिन का टाइम दीजिए। मैं ये जो भी हमारे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस में दे दिया करूँगा। ठीक है, पालनहार योजना का संबंध किससे है। देखिए पालनहार योजना जो है ये संबंधित है दिव्यांग बच्चों के, दिव्यांग दंपति के बच्चों के पालन पोषण से। ठीक है, तो ये भी एक स्कीम है पालनहार योजना, जो कि दिव्यांग मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, ठीक है, उनकी जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण से संबंधित इस योजना को लाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर हम बात करें अगर जो अगले प्रश्न की, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध है किस चीज से। देखिए एक आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपने नाम सुना होगा, है ना, ये उसी के तरीके से है जिसके अंदर जिन लोगों को प्रधानमंत्री की जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसको आप बेनिफिट नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों की वजह से, ये जो लोग छूट गए उस बेनिफिट को लेने में, उन लोगों को यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में छूटे हुए पात्र परिवारों को समान लाभ जो है देने हेतु ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और इसका जितना भी खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो कौन बियर करेगा, राज्य सरकार देखेगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया। अब देखिए ये किया गया था 1937 में, एक हमने बात करी थी शुरुआत में ही,
शायद कोई प्रश्न था, वहां पर हमने इसकी बात करी थी। 1937 में विधान परिषद का गठन हुआ था। देखिए, अगर जब हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद का गठन हुआ था कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अकॉर्डिंग ये परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, विधान परिषद देश के 6 राज्यों के अंदर है, हर राज्य में नहीं है। विधानसभा तो हर राज्य में है, बट परिषद जो है वो 6 राज्यों में। वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो 6 राज्य कौन से हैं। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और देखिए आंध्र प्रदेश है तो साथ में तेलंगाना के अंदर भी होगा, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ ना तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं देश के जहां पर विधान परिषद आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस देश के मॉडल से राज्यपाल का पद अपनाया है? राज्यपाल का जो पोस्ट है वो किस देश से हमने लिया है? ठीक है, ये पद हमने अपनाया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कनाडा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज़ को लिया है कि राज्यपाल का जो पद है वो राज्य में सबसे ऊंचा होगा, सबसे बड़ा होगा। जैसे देश के अंदर, पूरे देश में हम बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति का पद जो है वो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, तो ये मॉडल हमने कनाडा से लिया है। ठीक, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हिंदी में मैंने कोशिश करी है टाइप करके डालने की। हो सकता है किसी में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ क्षमा करें उस चीज़ के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरों से करवाएं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें वीडियो को। ठीक है, ताकि सभी लोगों को इन सभी प्रश्नों का लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।